हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में एक नया रिक्वायरमेंट आया है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा रिक्वायरमेंट क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए, कौन लोग नहीं अप्लाई कर सकते इस जॉब के लिए, इस जॉब अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना ये चाहिए इस जॉब अप्लाई करने, सब कुछ आज इस व्लॉग में डिटेल से बताने वाला हूँ। व्लॉग एंड तक देखें, आपको समझ में आ जाएगा ये जॉब कैसे अप्लाई करना है क्या है बोल के। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से स्मॉल रिक्वेस्ट है, जो कोई मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टर्न द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। अब बेल आइकन प्रेस करके ऑल करके प्रेस कीजिए, जो मेरे चैनल से नया वीडियो आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा अभी भी और फ्यूचर में। दोस्तों आज का रिक्वायरमेंट निकल गया है कोविड के लिए। हाँ दोस्तों, कोविड कंट्री के लिए वैकेंसी निकला, ये आगे G4S सिक्योरिटी सोल्यूशन बोल के आप सभी को मालूम है इंडिया में ओवरऑल गल्फ में पूरा उनका बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसीज ब्रांचेज है, उसमें दो पोजीशन के लिए वैकेंसी निकला है। फर्स्ट पोजीशन आके कैशियर, नेक्स्ट पोजीशन आगे ATM ऑपरेटर। कैशियर का काम यही रहता है कि जो भी रिटेल फील्ड रहती है, जैसे कि सुपर मार्केट्स होगा, जैसे कि पेट्रोल पंप होगा, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज है उधर पे डेली डेली बिजनेस चलता रहता है, वो पैसे आके ये बैंक वाले जाके कलेक्ट कर लेके वैन में वो पैसे में इन्वाइस बना के उसके ऊपर जो भी कैश इन्वाइस है, जो भी आपका कैश सेल होता हो, जो भी रिटेल फील्ड में, जो भी फैक्ट्रीज में, जो भी बिजनेस एरिया में, वो पूरा डिटेल से उनको इन्वाइस बना के पैसे गैदर करके उसके जाए में डिपॉजिट करना, इसके लिए कैशियर जॉब बोलते हैं। ये आके G4S कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी में कैशियर का काम है। एंड नेक्स्ट पोजीशन है ATM ऑपरेटर, जो भी ATM सेंटर्स है, जो भी ATM पॉइंट्स है उधर पे आके आपको ATM देखभाल करना पड़ेगा, जैसे कि कैश होगा तो कैश ड्रॉप करना, और क्या ATM में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए तो ATM में कुछ सॉल्व करना, ऐसा पोजीशन निकला है। और ये जॉब के लिए आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी अच्छा है, नहीं तो नो नॉट एट ऑल इश्यू, आप फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। उधर जाने के बाद आपको 1 मंथ ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप तक काम चलता रहेगा। दोनों पोजीशन के लिए आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस तो नॉट एट ऑल इश्यू, आप फ्रेशर्स कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। उधर जाने के बाद आपको ये 1 मंथ ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको काम में परफेक्ट हो जाएंगे। ये जॉब अप्लाई करने के लिए आपके पास ECNR पासपोर्ट रहना बहुत ज़रूरत है, ECNR पासपोर्ट नहीं चलेगा, ECNR पासपोर्ट ही चाहिए। और ये जॉब अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 12th ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे कि आपके पास इंटरमीडिएट आर टू प्लस टू वाल आर डिग्री होल्डर्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत बेहतरीन बहुत अच्छी सैलरी है। एंड सैलरी पैकेज की बात करूँ तो 160K मतलब इंडियन करेंसी आपको तकरीबन आ जाएगा 32,000 to 34,000 अराउंड अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है, प्लस इसमें OT भी है, आपको इंसेंटिव भी मिलेगा, सब कुछ मिला लिया तो आपको 40,000 to 45,000 आराम से आ जाएंगे खा पी के। और एज कैटेगरी की बात करूँ तो एज कैटेगरी इसमें आपको 21 ईयर्स से लेते हुए 35 ईयर्स तक दरमियान आपका एज रहना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपके सर्टिफिकेट है, पूरा स्कैन कॉपी चाहिए। ये जॉब अप्लाई करने के लिए आपके पास अपडेटेड CV रहना बहुत ज़रूरत है, वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ, पासपोर्ट कॉपी फ्रंट एंड बैक, जो भी एक्सपीरियंस लेटर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है एक्सप्रेशन कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरा 1 PDF फाइल बना के, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया सब कुछ स्कैन कॉपी चाहिए, फोटोग्राफ कॉपीज नहीं चलेंगे, स्कैन कॉपी करके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ईमेल एड्रेस को फॉरवर्ड कीजिए। साथ ही साथ मैं कंसल्टेंसी का नाम, फ़ोन नंबर सब कुछ मेंशन करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं, उनसे कॉल कर सकते हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट इस जॉब के लिए आप उनसे बातचीत करके पूछ सकते हैं, जो भी आपको इंक्वायरी चाहिए तो उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको क्लियर करके बताएंगे ये जॉब कैसे अप्लाई करना है क्या है बोलकर। साथ ही साथ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देके जाके चेकआउट कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपल तरीका ये है कि मेरा यूज़र नेम सर्च कीजिए जफरुल्ला बादशाह बोल के, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज जफरुल्ला बादशाह बोल के दोनों आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जाके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए मेरा यूज़र नेम, आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, जाके क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए, उधर पे मैसेज कीजिए, जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपके मशवरा लेना चाहते हैं उधर पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपका वीज़ा कापी आ चुका है, जो भी आपका ऑफर लेटर आ चुका है, जो भी कंसल्टेंसी आप थ्रू प्रोसेस करा रहा है, आपको समझ में नहीं आया जेन्युइन है फेक है बोल के, टेंशन ना को लीजिए, आपका भाई बैठा आपका हेल्प करने के लिए, जितना हो सके उतना हेल्प करेगा मेरे तरफ से। आप मेरे को उधर पे मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सेंड कीजिए, मैं चेक करके बताएगा कि जेन्युइन और फेक बोल के। आज के ब्लॉग में इतना ही, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए डिसलाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, शेयर कीजिए दोस्त को, भाई को, रिश्तेदार को, जान पहचान को, जो कोई भी गल्फ जाना चाहता है विथ जेन्युइन वे, तो यूरोप जाना चाहता है विथ जेन्युइन वे, तो मेरा चैनल उनको रिकमेंड कीजिए, उनको बाई थ्रू इंटरव्यू के थ्रू आप यूरोप गल्फ जा सकते हैं विथ लो ऑफ सर्विस चार्ज में, आपको थोड़ा बहुत सर्विस चार्ज में खर्चा करके अच्छे जगह जाके काम कर सकते हैं, लाइफ सेटल हो सकते हैं। और बी वार्न ऑफ फेक एजेंट्स एंड कंसल्टेंट्स, आप आके सतर्क रहिए, संभल के रहिए, जो भी फेक एजेंट्स है, जो भी फेक कंसल्टेंसी, थोड़ा संभल के रहिए, बहुत लोग पैसे ठगने के लिए बैठे हुए हैं कंसल्टेंट्स, और
एजेंट्स गल्फ पहुँचाते, यूरोप पहुँचाते, बोल के उनसे थोड़ा संभल के रहिए। और जिधर भी पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गल्फ को, यूरोप को जाना, तो जेन्यून वे में इन्वेस्ट कीजिए, आप अच्छा खासा जा सकेंगे, अच्छा खासा कमा सकेंगे। आज के ब्लॉग में इतना ही, और ख्याल रखिए अपना भी, इस चैनल का भी।